बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिकोस वेंस। आज के लेक्चर का जो हम ऑब्जेक्टिव रखना चाह रहे हैं, हमें ये पता चले कि वेरिकोस वेन की एनाटॉमी क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उन पेशेंट्स को जो वेरिकोस वेंस के साथ उसके अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं उनको हमने असेस कैसे करना है, उनको हमने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, और उनकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। वेरिकोस वेंस जो हैं वो दोनों लिम्ब्स जो ह्यूमन बॉडी में हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों में हो सकती हैं, ज़्यादा कॉमन जो है वो लोअर लिम्ब्स में है। जैसा कि हम अपने बेसिक नॉलेज से जानते हैं कि दो सिस्टम हैं, लोअर लिम्ब जो वेंस हैं उनके जो सुपरफिशियल वेंस होती हैं और डीप वेंस होती हैं। तो सुपरफिशियल वेंस जो हैं वो सेफनस वेन के नाम से, जिसमें लॉन्ग सेफनस वेन और शॉर्ट सेफनस वेन होती हैं, और जो डीप सिस्टम है उसको डीप फेमोरल वेन कहते हैं, फेमोरल वेन एंड पपलेटल वेन। तो सुपरफिशियल वेन जो है वो कम्युनिकेट करती हैं डीप वेनस सिस्टम के साथ, और जो उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं परफोरेटर्स। तो परफोरेटर्स जो है वो सुपरफिशियल को डीप में कम्युनिकेट करके ले जाते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है, जो ब्लड की डायरेक्शन है, वो फुट से शुरू हो के तो अप टू द थाए, और थाए से एब्डोमेन, बिग आईवीसी और अप टू द हार्ट, ये उसका चैनल होता है। ये जो सिस्टम है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, इसमें वैल्व जो वन साइडेड वैल्व होते हैं जिनका फ्लो नीचे से ऊपर होता है और ऊपर से वापस नीचे नहीं आ सकता। तो इस सिस्टम को जो कनेक्शंस करते हैं, यानी सुपरफिशियल वेन जो डीप के साथ कम्युनिकेट करती हैं, वो एक सेफनोफेमोरल जंक्शन है और दूसरा सेफनो पोपरीटल जंक्शन है। तो ग्रेट सेफनस वेन का जो जंक्शन है वो सेफनो फेमोरल है, और शॉर्ट सिस्टम का जो है वो सेफनो पोपरीटल वेन है। ग्रेट सेफनस टू दी फेमोरल वेन और शॉर्ट सेफनस टू दी पोपरीटल वेन। तो सेफनो फेमोरल जंक्शन जो है वो 2-4 सेंटीमीटर इनफीरियर लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ये जो एनाटॉमिकल उसकी लोकेशन है। जैसा कि इस पिक्चर में हमने एलैबोरेट करने की कोशिश की है, जो डीप कलर्ड वेन है जो मिड ऑफ द लिम में आ रही है वो फेमोरल वेन है, और जो लाइट कलर्ड वेन्स हैं जो ब्रांचेस हैं वो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है। जो मीडियल साइड पे स्टार्टिंग फ्रॉम द एंकल जॉइंट, फ्रॉम द लेटरल मीडियल प्लैंटर आर्च, जो एंकल के पीछे से वेन बनती है वो ग्रेट सेफनस वेन है, वो चलते चलते थाई के पोस्टीरियर साइड पे आती है, और फिर पोस्टीरियो मीडियल साइड पे आके तो जो ग्रेट सेफनस वेन का जंक्शन है फेमोरल वेन के साथ, सेफनो फेमोरल जंक्शन, वहाँ पे टर्मिनेट होती है। और इसी तरह जो शॉर्ट सिस्टम है वो लेटरल साइड पे है, वो जो लेटरल वेनस आर्च है वहाँ से शुरू होता है और पपलीटल वेन में जाके डिप होता है। तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेफनस सिस्टम। दूसरी जो इंटरप्रटेशन है सुपरफिशियल वेन्स की, वो डीप फेशिया से ऊपर जो वेन्स हैं ये दोनों, ग्रेट सेफनस वेन और शॉर्ट सेफनस वेन, ये सुपरफिशियल कहलाती हैं, और डीप जो फेशिया से नीचे है वो डीप कहलाती हैं। तो जिस तरह ये पिक्चर शो कर रही है, लॉन्ग सेफनस वेन है, डीप सेफनस वेन है, शॉर्ट सेफनस वेन है, और जो सर्कल में वो पिक्चर शो हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि वेल्व बने हुए हैं, और वेल्व की जो डायरेक्शन है वो यूनिलेटरल है फ्रॉम फुट साइड टूवर्ड दी अप साइड, और जो परफोरेटर्स है दे आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप वेनस सिस्टम। तो ये जो डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल फ्लो है ये इम्पॉर्टेंट है इनकी कंपिटेंसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे ही ये वेल डैमेज होते हैं तो सुपरफिशियल जो सिस्टम है वेनस सिस्टम वो डिस्ट्रॉय होता है, तो जो डिजीज़ है वेरिकोस वेन की उसकी पैथोफिजियोलॉजी शुरू होती है। ये एक पेशेंट की जो सुपरफिशियल वेन्स है वो प्रोमिनेंट हुई हैं, प्रोमिनेंट डायलेटेड टॉर्चस वेन्स विच आर कॉल्ड वेरिकोस वेन्स। तो हम इसके जो डिसऑर्डर है, जो इसकी डिजीज़ है, जो सिम्टम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, दीज वेन्स आर टॉर्चस डायलेटेड प्रोमिनेंट सुपरफिशियल वेन्स इन द लोअर लिम्ब, और दे आर इन द एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सेफनस वेन्स। तो ये पिक्चर ये शो कर रही है कि जो सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है दैट हैज़ बीन डिस्टॉर्टेड, जो लेफ्ट साइड पे नॉर्मल वेन्स शो हो रही हैं, तो ब्लड फ्लो इज़ फ्रॉम फुट साइड टूवर्ड्स दी थाई
एंड फ्रॉम द ऑन द लेफ्ट साइड ये पिक्चर शो कर रही है जो ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर द फ्लो इज नॉर्मल फ्रॉम द फुट टूवर्ड्स द थाई एंड फ्रॉम ऑन द लेफ्ट साइड द डायग्राम शोइंग द डिस्टॉर्टेड टॉर्चुअस एलोंगेटेड वेन्स इन विच द ब्लड फ्लो इज नॉट यूनियन डायरेक्शन ब्लड फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं और ऊपर से जब वो ब्लड इकट्ठा होता है तो वो नीचे प्रेशर डालते हैं और नीचे जो है वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें इस डिज़ीज़ की तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा कॉमन है और ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व है और फीमेल आर मोर प्रोन टू डिवेलप पेरिकोस्टिस 5-10% एज कम्पेयर टू द मेल और रिस्क फैक्टर्स में उसकी एज जो है मैटर करती है मिडल एज यंग एडल्ट पॉपुलेशन इज अफेक्टेड मोर एंड ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग जो ऑक्यूपेशन हैं लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स सर्जन किचन मैनेज करते हैं ख़वातीन हैं ठीक है उनमें ये ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से जो वेल्व है वो डैमेज हो जाते हैं और प्रेगनेंट पेशेंट्स जो हैं जिनमें वेन्स ऑलरेडी डायलेटेड होती हैं ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उसमें भी वेरिकोस्टिस डेवलप होती है। ओबीस पेशेंट में फैट की वजह से और स्मोकिंग टू सम एक्सटेंट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरिकोस वेन्स। 11 ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक सीप क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है उसको मेमोराइज करना जिसमें क्लिनिकल कंपोनेंट है एटोलॉजिकल कंपोनेंट है एनाटॉमिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल। तो क्लिनिकल में C0 to C6 एटोलॉजिकल जो है E1, E2, E3 एनाटॉमिकल जो है वो A1, A2, A3 एंड पैथोफिजियोलॉजिकल इज P1 एंड P2। तो डिटेल्स आप इस स्लाइड में देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नो क्लिनिकल साइंस अप टू द स्मॉल वेरिकोस वेन्स लार्ज वेरिकोस वेन्स विद एडिमा विद स्किन चेंजेस विद द अल्सरेशन हील्ड एंड एक्टिव अल्सरेशन और एटियोलॉजिकल कैन बी कंजेनिटल प्राइमरी जो उसमें वेन के अंदर पैथोलॉजी हो तो उसको कहते हैं और सेकेंडरी है अगर कोई और वजह है लाइक प्रेशर ऑन द IVC ड्यू टू ट्यूमर और प्रेगनेंसी सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वेरिकोस वेन्स। एनाटॉमिकल जिस हम कह रहे हैं सुपरफिशियल डीप एंड परफोरेटर वेन्स ऑल थ्री कैन बी इन्वॉल्व एंड पैथोफिजियोलॉजिकली रिफ्लेक्स डिजीज रिफ्लेक्स कैन डिवेल्प द वेरिकोस्टिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन कैन डिवेल्प द वेरिकोस्टिस। तो ये जो पिक्चर्स लेफ्ट साइड पे हैं दे आर शोइंग दी मोस्ट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ दी सीप क्लासिफिकेशन जो एंड पे हील्ड अल्सर है जो नज़र आ रहा है और उसमें दिस इज़ दी कैटेगरी ऑफ दी C6। द अदर एटोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी इडियोपैथिक एंड बाय बर्थ एंड इट कैन रन इन द फैमिलीज एज वेल पेल्विक मैस एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू द वीनस फ्लो जिस हम कह रहे हैं सेकेंडरी काज हो सकती है प्रेगनेंसी एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एंड प्रीवियस DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन द डीप वेनस सिस्टम कैन डेवलप एंड लीड टू द वेरिकोस्टिस ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स बाय द क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम ऑफ द लोअर लिम मेकिंग द AV फिस्टुला इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरिकोस्टिस। पैथोफिजियोलॉजी एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी वीनस वेल फेल होते हैं ठीक है एट द सेफ्रोपोपेल जंक्शन और सम टाइम इन द परफोरेटर्स और सिमिलरली इन द सेफ्रोपोपेल जंक्शन और इसमें ब्लड जो है वो रिगर्स करता है पूल होता है पूल की वजह से वेन्स जो डायलेट होती हैं और उसकी टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो जाती है और वो फूल जाती है। जो प्रोग्रेसिव डायलेटेशन है और वो एक विस्कस सर्कल शुरू हो जाता है जिसका यानी वो डायलेट होती हैं वेल्व डैमेज होती हैं ब्लड पूल होता है और उसके बाद फिर फर्दर जो है वो वेल्व्स को और डैमेज करता है और जो है वो डिजीज़ जो है वो सिवियर हो जाती है। ये पिक्चर शो कर रही है एक तो नॉर्मल फ्लो है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पिक्चर और जैसे ही वो जंक्शन है डीप वेन से सुपरफिशियल जो है वो ऐसा ऐसा इनकम्पिटेंट होना शुरू है और इनकम्पिटेंस जो है वो एक्सटेंड कर रही है अप टू दी ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल सिस्टम और दैट इन्वॉल्विंग द ग्रेट सेफनस वेन एज वेल। तो दिस इज़ वीनस वेल फेलियर एट द सेफनोफेमोरल
जंक्शन। ये जो पिक्चर है वो ये शो कर रही है सबसे नीचे बॉटम पे जो दो वीनस सिस्टम है, राइट एक्सट्रीम पे जो है वो डीप वीनस